तो ऐसा ये कहना पल्लवी का कैरेक्टर पूरा वही बोलता है जो जेएनयू में प्रोफेसर्स बोलते हैं? आपने वहां पर वैसे जेएनयू का नाम नहीं लिया। हाँ, हमने एएनयू कहा है, तो मतलब समझने वाले को इशारा काफी है। आप इतना नाराज क्यों हैं जेएनयू से? एक तो मेरा पर्सनल कारण है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है जी वो है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। वहां पे आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी ड्रिवन और एफिशिएंसी ड्रिवन एक माहौल देता नहीं है। और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूं जो जेएनयू से पढ़ के आया हो जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। यू सेड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जेएनयू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ निर्मला सीतारमण? जेएनयू से इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने अच्छे लोग वहां से निकले हैं, जी आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो आता माजी सटक ली इस पार से उस पार। कोई ऑनेस्ट जर्नलिस्ट दिखते हैं आपको? कैन यू नेम फ्यू? मैं विश्वास करना चाहता हूं आप हैं, और मैं इतने हाउ डू यू डिसाइड दैट? सर मैं डायरेक्टर हूं, मेरी आंखें समझती हैं बात को। अच्छा। मैं बॉडी लैंग्वेज और आदमी की आंखें देख के समझ सकता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर आई एम फ्रॉम जेएनयू। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे बहुत देर से शक हो रहा था। अच्छा, हाँ कैसी होती है बॉडी लैंग्वेज जेएनयू वालों की? थोड़ी सी हर चीज को क्वेश्चन करने वाली, हर चीज को परखने पत्रकारिता वाली। का धर्म, निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, संविधान की शपथ लो और सामने जो भी शक्ति का स्रोत बैठा हो उससे तथ्य सम्मत और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ सवाल पूछो बिना किसी हिडन एजेंडा के। ये लेफ्टिस्ट लोगों की सारी पॉलिटिक्स फेल हो गई है, और इनको ये लगता है जिस तरह से इंदिरा गांधी को छात्रों के साथ जुड़ के हटाया गया था उस तरह शायद फिर से छात्रों से जुड़ के इस बार नरेंद्र मोदी को हटा सके। बात इतनी सी है। तो ये एक मुद्दा लाना बहुत जरूरी था कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से ब्रेन वॉशिंग होती है। बिल्कुल। मैं नरेंद्र मोदी को एक लीडर के तौर पे मैं उन्हें पसंद करती हूँ और मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके लीडरशिप से। जी, आपको लगता है कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो वो और अच्छी कर सकते थे नहीं कर पाए? यू हैव टू क्रिटिसाइज नरेंद्र मोदीज टेन्योर। आई विल नॉट क्रिटिसाइज। आप सोचती हैं और आप अपने ख्यालों का इजहार करती हैं, आप उनकी तरह नहीं है जिन्होंने सुविधाजनक चुप्पियां ओढ़ रखी हैं पक्ष या विपक्ष में, इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं सही बताऊँ, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, तो मैं सोच के बताऊंगी आपको जरूर। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरा एक स्वभाव है कि मैं सिर्फ अच्छाइयां देखती हूँ आदमी की, मैं बुराइयों पर ज्यादा गौर करती नहीं। राइट, इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव। हम सब अपने ये नैरेटिव का वॉर चला रहा है लाखों साल से, और उसमें कोई गलत बात है भी नहीं। मेरे पीछे बोर्ड है आप देखिए, इंटॉलरेंस फेल, अवार्ड वापसी फेल, लिंचिंग फेल, बीफ कैंपेन फेल, रोहित वेमुला कैंपेन फेल, आजादी आजादी बर्बादी भारत के टुकड़े कैंपेन फेल, टोटली एक्सपोज, CAA NRC फेल, मुस्लिम स्केयर, मुस्लिम डरा हुआ है फेल, 370 और कश्मीर फेल। तो ये बिल्कुल गलती नहीं मत कर लीजिएगा मानने की कि मैं सिर्फ फिल्म मेकर हूं। मेरा एजेंडा है। अच्छा, राफेल फेल, राहुल गांधी इमर्जिंग एज अ न्यू लीडर फेल, प्रियंका गांधी इमर्जिंग एज अ न्यू लीडर फेल, अरविंद केजरीवाल इज ऑनेस्ट एंड ही विल ब्रिंग न्यू पॉलिटिक्स फेल मिजरेबली। लेकिन कुछ लोग अभी भी होंगे कि क्या निकालें गलती, प्रधानमंत्री की बात में क्या निकालें गलती। ऐसे लोग हैं क्योंकि उनका काम धंधा ही है, क्योंकि उनके अंदर की बत्ती बुझ गई है। आई एम बेटर ऑफ एज ए चमचा ऑफ मोदी। माय क्वेश्चन, आई लव प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्या स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी के नारे लगने चाहिए तो क्यों क्यों नहीं लगने चाहिए? अरे कहना क्या चाहते हो? क्या स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी के नारे लगने चाहिए? नहीं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप बताइए, मेरे को तो नहीं पता कुछ। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है। सवाल थोड़ा गहरा है सर, तो गोता उसमें मार के आपको जवाब देना होगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मैं सही बताऊं, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, तो मैं सोच के बताऊंगी आपको जरूर। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। आठ साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को
विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े, तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया, 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर, टैक्स फ्री की क्या जरूरत है, यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल। कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए, क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे, राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे हम, राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ में, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो, कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार, आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहाँ पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया।